सभी का आज की इस नए वीडियो में। तो आज हमारे पास हमारी पुरानी साइकिल है क्योंकि तो काफी दिनों से बंद पड़ी हुई है, कोई चला नहीं रहा है इसको, ना हमने किसी को दी है। तो ये हमारी पुरानी साइकिल है, देखिए इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। इसकी तीलियाँ टूट चुकी हैं, देखिए जैसे एक ये टूटी हुई है और एक दो और हैं जो कि टूटे हुए हैं, और तो और यहाँ पे ये टूट चुकी है, ये देखिए, और इसमें हवा नहीं है, इसका टायर पंचर है। हमें नहीं पता कि इसमें टायर पंचर है कि इसमें हवा नहीं है, और इसमें जाले लगे हुए हैं, देख सकते हैं हर जगह पे। तो आज इसको हम लोग बनवाने लिए चलेंगे मैकेनिक के पास, साइकिल मैकेनिक के पास, और देखेंगे कितना खर्चा आता है, क्या क्या खर्चा आता है। और इसको सबसे पहले हम धुल लेते हैं, धुल तो अपने से ही लेंगे क्योंकि उसके लिए किसी की ज़रूरत है नहीं, इसको धुलते हैं। और बाकी ये घंटी बहुत दिन बजती है कि नहीं, घंटी तो बज रही है पर ये ढीला हुआ है, इसको अपने से टाइट करा जा सकता है। तो चलते हैं, इसको धुलते हैं, नहीं बनाते हैं। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints. और इस साइकिल के इतिहास के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, ये साइकिल मेरे से पुरानी है, लगभग 17-18 साल की होने चली है ये साइकिल, और मैं 18 साल को होने वाला हूँ सितंबर में। तो ये मेरी साइकिल मेरे भैया की है, जो कि मेरे बड़े पिताजी के लड़के हैं, उनकी है, राजू भैया जिनके के पास कार है उनकी है। मतलब वो अपने कॉलेज या स्कूल टाइम पे चलाया करते थे, स्कूल टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे तो नहीं, तब की ये साइकिल है। उनसे दीदी को मिली, दीदी से और दीदी को मिली, दीदी से मुझको मिल गई, तो ये प्रक्रम चलता रहा। तो आज ये हमारे पास है, और मुझे लगता है आधे इंडिया में साइकिल ऐसे ही चलती है, जो बड़े होते हैं वो चलाते हैं, फिर छोटे चलाते हैं, फिर उनसे भी छोटे चलाते हैं। अब देखते हैं मेरे बार इसको कौन चलाता है, ऐसी नौबत ना इसको चलाना पड़े, पर कौन चलाता है ये भी एक सस्पेंस ही है। तो इसको अब धुलते हैं हम लोग, पानी है, सब कुछ है और मोटर भी है, इसको फटते धुलते हैं। तो ये वीडियो मैं अकेले शूट कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ अगर हो जाएं तो उसे माफ़ कर देना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके जाना। Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I got is working. Never stop searching. Never quench the thirsty. I'm toxic. It's psychotic, but it's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with the... साइकिल अपनी धुल गई है, अब इसको सूखने देते हैं आधे घंटे, फिर इसको लेके चलते हैं मार्केट, दुकान में। बहुत गर्मी है। I'm achieving, got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat. अब इसमें हवा भर रहे हैं, इसमें तो पानी निकला थोड़ा सा, मेरे ख्याल से सही है। हाँ, इसमें भी एकदम हवा टाइट हो रही है, तेल डलवा, टायर जहाँ तक है साइकिल में, वैसे तेल डलवा लेंगे और देखते हैं क्या क्या खराबी है। इसकी टेस्ट ड्राइव हम ले लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या खराबी है। तो इसके थोड़ी देर घुमा के आता हूँ आगे से। इसमें आधे किलोमीटर पहले से ब्रेक लगाना होगा, तभी वो जाके रुकेगी। इसके ब्रेक एकदम खत्म है। हाँ, और पीछे वाले लगी नहीं जा रहा है, ऑयलिंग की जरूरत है, और बाकी सब ठीक है, इतना काम करा लेते हैं इसमें, जल्दी कराते हैं। बताओ ये साइकिल कितनी पुरानी होगी? 5-6 साल हो गया होगा, मान के चलते हैं। अधिक से अधिक सोचिए, बता दो कितने साल, मैक्सिमम साल, 20 साल 30 साल, कितनी पुरानी हो सकती है मैक्सिमम बताएं? मैक्सिमम 10 साल। हाँ नहीं, ये बता, इस साइकिल का साइकिल भी नहीं रहती। हाँ, ये साइकिल,
ये साइकिल मेरे से पुरानी है। ये मेरे भैया यूज करते थे, मतलब बहुत पहले, ये 17-18 साल के ऊपर की हो चुकी होगी। बहुत पुरानी साइकिल है ये। अपनी साइकिल को लेके आ गए हम ग्राउंड में। तो इसमें पहले मैं बता दूं आपको क्या क्या कॉस्ट आई हमको। तो इसका हमने वायर का सेट लगवाया है जो कि हमें 65 रुपये का पड़ा है, जो कि दोनों ख़राब हो गए थे, पीछे का भी और आगे का भी। ठीक, और आगे हमने ब्रेक शू चेंज कराया है, ये ब्रेक, ये हमें पड़ा है 20 रुपये, इसकी कॉस्ट पड़ी है। और इसमें ऑयलिंग कराई है, पंप से हवा भरी है, तो उसका कोई कॉस्ट नहीं। 5 रुपये उनका मेहनत का था तो उन्होंने मांग लिया, मतलब 90 रुपये टोटल कॉस्ट आई है इसकी। हम लोग ग्राउंड में इसलिए आए हैं कि इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकें। पहले मेरा दोस्त इसकी टेस्ट ड्राइव लेगा, उसके बाद मैं लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने साइकिल दे दी है छोटे से बच्चे को, यहाँ पे स्टैंड दिखा रहा है। कैसे चल रही है? ठीक चल रही है। उनसे बस सिर्फ एक क्लिप चाहिए भाई, एक क्लिप दे दो मुझे बस। भाई 5 मिनट क्लिप नहीं मिल रही, धीरे धीरे लेके जा रहा है, धीरे धीरे लेके आ रहा है। बोला ड्रिफ्टिंग कर दे, कभी नहीं कर रहा है यार, बस लास्ट बार भाई कर दे, कर दे भाई। गजब भाई, क्या ड्रिफ्ट करते हो आप, फैन हो गया मैं। तो मैं करूंगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के कमेंट में जाके अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, जिससे मैं खुश हो जाऊं और नई वीडियो आती रहेंगी। आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, मेरे YouTube चैनल पे काफी अच्छी अच्छी वीडियो डाली हुई हैं, तो आप उन्हें भी जाके देखो। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। मैनर सिखाते हैं किससे कैसे बात करनी है, क्या सिखाते हैं? नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते हैं? मेरे स्कूल में नहीं पता। कल यही वीडियो तुम्हारे प्रिंसिपल सर को दिखाएंगे? नहीं, वो छोड़ो नहीं सिखाते। सच में? सच। मतलब किससे कैसे बात करनी चाहिए, क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमको ये साइकिल निकालनी है ऊपर से, तो जल्दी से इसको निकालते हैं क्योंकि बहुत दिनों से ये यहाँ रखी हुई है और अब इसका काम आ गया है। अजीमो शान शहंशाह वर्तारवान।